कुंज बिहारी श्री हरदास विठल विपुल बिहारिंदा जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम को वास भलो जहां पास बहे यमुना पटरानी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बुल बांके बिहारी लाल की जय। बरसाने वाली राधा रानी की जय। स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरे बांके बिहारी जय हो तिहारी। बिहारी जी की असीम अनुकंपा ऐसे ही बनी रहे ठाकुर जी का आशीर्वाद रहे। इसको शेयर करते रहें ताकि आपके जरिए और भी भक्त लोग बिहारी जी के ऐसे मंगल पूजन का मंगल आनंद प्राप्त कर सकें और बिहारी जी महाराज से आप सभी लोग मिलकर और मैं भी यही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जितने भी भक्त लोग ये लाइव सेशन देख रहे हैं जितने भी भक्त लोग लाइव के जरिए आपसे जुड़े हुए हैं आप की कृपा आपका आशीर्वाद राधा रानी का सानिध्य राधा रानी के श्री चरण पर उनका स्थान हमेशा बना रहे और आप उनको सदैव अपने दर्शनों के लिए बुलाएं। और ऐसे ही हमने एक वीडियो डाली है उसमें हमने ठाकुर जी के जो सिंहासन है जिस पर हमेशा बैठकर वो अब निरंतर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और सहज दर्शन प्रत्यक्ष दर्शन ठाकुर जी के उस सिंहासन पर होते हैं वहाँ पर मनोकामना धागा बांधा तो वो एक रील हमने शेयर की है उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे जिनकी आप चाहते हैं कि मनोकामना पूर्ण और अपने लिए भी कमेंट्स में सिर्फ राधे राधे लिखना और हाजिरी लगानी है क्योंकि रासे रटते रहो धासे कर लो ध्यान और रावण धा के बीच में बसे कृष्ण भगवान तो भैया ठाकुर जी महाराज को पाना है तो राधा नाम का जाप निरंतर करना है। कुंज बिहारी श्री जी बहुत ही सुंदर एक सवाल सभी लोग पूछ रहे हैं तो मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि श्री बांके बिहारी मंदिर में आज जो है वो दशहरा मनाया गया है यानी कि दशमी की तिथि है। इसी प्रकार से कल जो है वो 13th of October को यानी कि 13 अक्टूबर को पापाकुंश एकादशी जो व्रत है वो है और कल एकादशी मनाई जाएगी यानी एकादशी जो व्रत है एकादशी जो आप सेलिब्रेट करते हैं एकादशी पर जो आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं जिस तरीके से काफ़ी लोग अलग सेवा करते हैं ठाकुर जी की एकादशी पर वो जो है आप कल करेंगे। और फिर से रिपीट करूँगा कि भैया व्रत हमारा है हम रखेंगे हमारे ठाकुर जी व्रत नहीं रखेंगे तो ठाकुर जी को व्रत मत रखवाना कहीं उनको भी सुबह से भूखा बैठा दो और या उनको भी जो है वो फलार और ये सब देते रहो बस क्योंकि वो हम खा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। ठाकुर जी को पकवान बना के खिलाओ। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों को चाहिए थी एकादशी वाली इसलिए प्लीज़ शेयर कर देना कि 14 की नहीं है एकादशी 13 तारीख की है यानी कल है एकादशी और ठाकुर जी महाराज का जो आप लोग जो व्रत रखते हैं एकादशी का वो भी आप लोग कल व्रत रखेंगे और 16th की यानी 16 तारीख की जो है शरद पूर्णिमा है और ठाकुर जी महाराज के श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी मंदिर में जो है श्वेत रंग के दर्शन होंगे श्वेत
वस्त्र ठाकुर जी ने धारण किए होंगे, श्वेत श्रृंगार ठाकुर जी को अपने घर में धारण कराइए, श्वेत श्रृंगार भी धारण कराइए, श्वेत वस्त्र भी धारण कराइए, ठाकुर जी को बांसुरी भी धारण कराइए अपने घर में, ठाकुर जी को मोर का मुकुट धारण करा सकते हैं वो कराइए, कटिकाछनी जो आती है कमर पे बांधने की अगर वो करा सकते तो वो कराइए, और श्वेत ही ठाकुर जी को प्रसाद भोग लगाइए। श्वेत प्रकाश प्रसाद क्या हो सकता है जो आप ठाकुर जी के लिए भोग बना सकते हैं, तो उनके लिए जो है सबसे ज़्यादा चलने वाली जो उस दिन की जो मान्यता है वो खीर प्रसाद की है, तो वो खीर प्रसाद, और आप कोई भी मिठाई जैसे चंद्रकला होती है उसमें बूरा डाल के जो है वाइट हो जाती है वो बिहारी जी में भोग लगती है, तो वो करेंगे। और हम पूरे मेरे बांके बारी भक्त परिवार की ओर से सेवा समर्पित कर रहे हैं बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में, वो भी जो है हम कर रहे हैं बहुत ही अच्छे पर्व, और जिसको हम कहते हैं शरद पूर्णिमा महोत्सव पर। तो मैं नंबर लिख देता हूँ टीम का, जहाँ से जानकारी आप लोग ले सकते हैं कि कैसे आप लोग बिहारी जी के इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। मेरे बांके बारी टीम व्हाट्सएप नंबर 8937902000। आप लोग जो सेवा समर्पित करते हैं इसका जो भावार्थ है वो ये है कि आप लोग ठाकुर जी के उस प्रेम के त्यौहार पर, प्यार के नहीं प्रेम के त्यौहार पर, लाड़ के त्यौहार पर ठाकुर जी को सेवा समर्पित कर रहे हैं, जिसमें जितनी गोपियां उतनी कृष्ण, यानी कि श्री कृष्ण जो हैं वो सभी के साथ हो गए थे, जितनी भी गोपियां थी सबके साथ श्री कृष्ण जी हो गए थे। तो ये भाव हमारे साथ भी है कि हम भी चाहते हैं कि ठाकुर जी की हम गोपियां बने और ठाकुर जी जो है वो हमारे साथ भी आ जाएं। इतनी अच्छी बात है कि ठाकुर जी हमारे साथ भी आ जाएं और हमारे साथ जैसे उन गोपियों के साथ थे ठाकुर जी महाराज में, ऐसी हमारे साथ भी रहें और उस दिन का हम ठाकुर जी को खीर प्रसाद समर्पित कर सकें, उस दिन की बूढ़े वाली चंद्रकला ठाकुर जी को समर्पित कर सकें, और वो एज अ रिटर्न गिफ्ट में हम पा सकें, यानी कि गिफ्ट भी मिलेगा ठाकुर जी का उस दिन का प्रसादी, और उसके साथ साथ ठाकुर जी का जो चंद्रकला का प्रसाद है वो भी आप कुरियर के जरिए प्राप्त कर सकते हो। तो कैसे आप बिहारी जी का झूठन कह लीजिए, प्रसाद कह लीजिए, भोग कह लीजिए, क्योंकि अमनिया पाने का हक तो ठाकुर जी का, जब ठाकुर जी और राधा रानी अमनिया पा लेते हैं तो फिर भैया वो भोग बन जाता है, प्रसाद बन जाता है, जिससे प्रसाद का भी जो अर्थ है कि प्रभु के साक्षात दर्शन, यानी बिहारी जी के दर्शन। देखिए प्रसाद हमने अभी तक जो इस फेस्टिवल्स पर चलाया उसका हमारा भी यही एक भाव है कि जब भी आप लोग फेस्टिवल्स पे किसी पे भी नहीं आ सकते हैं तो जब आप प्रसाद को मंगाते हैं तो प्रभु के साक्षात दर्शन, या आपने हमेशा सुना होगा कि प्रसाद का जो अर्थ है वो क्या है, प्रसाद प्रभु के साक्षात दर्शन, तो वो आप लोग उस पर्व के उस प्रसाद के रूप में ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं, बिहारी जी के दर्शन कर सकते हैं उस प्रसाद के रूप में। यानी कि अगर आप जैसे ठाकुर जी के प्रसाद को 56 बुक को अगर आप मंगवाते हैं, जैसे हरियाली तीज पर मंगवाते हैं, तो हरियाली तीज का भाव है कि उस दिन जो है आप उनके दर्शन कर रहे हैं। अभी शरद पूर्णिमा आ रही है तो शरद पूर्णिमा पर जब प्रसाद आप लोग मंगाएंगे जिसमें कि बूढ़े वाली चंद्रकला होगी, तो वो प्रभु को साक्षात दर्शन आप उस प्रसाद रूपी कर रहे हैं कि प्रभु ये आपकी झूठन है और शरद पूर्णिमा की और ये आपने पाई थी और अब हमें पाने को मिल रही है। तो बिहारी जी के कृपा आप सभी पर बनी रहे। चलते मंगल चौकट पर, फिर लाइव सेशन को विराम भी देंगे, लेकिन विराम देने से पहले देखेंगे कि भक्त कितने लाड़ के साथ ठाकुर जी की यहाँ वंदना कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। ओम कायं संयुक्तं नित्यं ध्यायेत् योगिनां कामदं मोक्षं देवा पञ्चोकाराय नमो नमः अहं नारायणं नमस्कृत्य वन्दे सर्वोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ये मुदीरये विभो ओ पञ्चोकार देवताभ्यो नमः। तो बिहारी जी महाराज की ऐसी मनुकंपा बनी रहे, ठाकुर जी का आशीर्वाद रहे और आप लोग शरद पूर्णिमा महोत्सव सेवा में शामिल हैं। राधे राधे। तो यहाँ पर बिहारी जी के लाइव सेशन में हमने आनंद लिया, दशहरा कब है भैया बताया तो थे, आज हमारे यहाँ पर हो रहा है और कल एकादशी मनाई जाएगी। यते
ऋग्वेदे निपुणे रजस्तम पूजते कतुगते प्रणते क्रियाभि तं सर्वकर्म फलदं निजसेवकानां श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये मानसे सुमतयो यतयो निदायो सहूजभूस्रहृदया हृदयान्धकार तं चन्द्रमण्डलनखावलिदीपम्यानं श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये क्षणेन समकारि विपद्योगो ध्यानस्पदं सुगमितेन नुतेन विज्ञ तन्तापवारण निवारण शाङ्कुशाङ्कं श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये पन्नवरदस्य प्रसादस्य तापत्रयापहरणं शरणं गतानां तं नीलनीरज निभञ्जनाय श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये विदिना विदिना हृदागं पूजां विवेकवरदं वरदास्य भावं तं दाक्षलक्षण विलक्षण लक्षणाढ्यं श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये यस्मिन् मनो विहितं भवति प्रसन्नं खिन्नं कदिन्त्रीयं वास्तुरस्तुरस्तुसमस्त दुःखं श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये पर लाइव सेशन में लेंगे विराम देने से पहले यही कहूंगा कि बिहारी जी महाराज की शरद पूर्णिमा सेवा में जरूर शामिल होना। ठाकुर जी के प्रसाद को रिटर्न गिफ्ट को प्रसाद को आप लोग दर्शन के रूप में लीजिएगा। आप लोग मंगा सकते हैं कुरियर के जरिए और व्हाट्सएप नंबर लिख दिया 8937902000। और इसके साथ साथ कार्तिक सेवा में भी आप लोग शामिल हो सकते हैं, जिसमें हम दीप प्रज्वलित सेवा रखेंगे। हमारे जितने भी शारीरिक कष्ट हैं, मानसिक कष्ट हैं, आर्थिक कष्ट हैं, इनके लिए और अपनी कृपा के लिए, और अगर कष्ट नहीं भी हैं तब भी अपने सुख शांति समृद्धि वैभव और सुकून के लिए हम दीप प्रज्वलित करेंगे कार्तिक मास में, क्योंकि कार्तिक मास पूरे कार्तिक मास में बहुत महत्व होता है दीप का। उसके लिए भी आप लोग इसी टीम नंबर पर जानकारी ले सकते हैं 8937902000 की, कैसे बिहारी जी से राधा रानी से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि बिहारी जी राधा और कृष्ण दोनों के रूप हैं। तो कैसे उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं सुख शांति समृद्धि वैभव और सुकून के लिए, कि हमारे जीवन में सुख भी रहे, शांति भी रहे, समृद्धि वैभव और सुकून रहे। ये इसके लिए बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे कार्तिक में। मैं भी सेवा अपनी तरफ से भी रखता हूँ, आप भी रखिए, और कार्तिक दीप सेवा भी आप लोग जो है बिहारी जी के श्री चरणों पर बिहारी जी मंदिर में कैसे कर सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करते हैं। और कार्तिक दीप दान हम लोग सिर्फ यही नहीं करते हैं, हम लोग जो है यमुना जी पर भी करके आते हैं। तो वो सारी सेवाएं आप लोग कैसे समर्पित कर सकते हैं जानकारी ले सकते हैं। कार्तिक सेवा भी जो है, कार्तिक का जो है वो शरद पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है प्रथम दीपक जो है, और उसके बाद एक महीने वो रहेगा। और मेरे बाकी वाली पेज को फॉलो करते रहिए, कार्तिक सेवा बहुत अच्छी चलेगी। ऊपर जहाँ पर स्वामी जी विराजमान होते हैं, आपने देखा होगा जब हम रात की आरती करते हैं वहाँ पर श्री वृंदावन धाम, वृंदावन, राधे राधे, श्याम सुंदर, बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, कुंज बिहारी, राधा रानी, मतलब अनेकों नाम हम वहाँ लिखते हैं, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास जी पूरा हम लिखते हैं। वो सारी सेवाएँ भक्तों की तरफ से ही होती हैं और वो समर्पित होती हैं। तो ये अद्भुत है, ठाकुर जी इतना हमें आशीर्वाद देते हैं, इतनी कृपा देते हैं कि हमें ये करने का, ये सेवा करने का सौभाग्य भी ठाकुर जी हमें देते हैं। पहले उनसे प्रार्थना करते हैं और फिर ठाकुर जी की सेवा में शामिल होते हैं, क्योंकि जितने भक्त लोग ठाकुर जी की सेवा में शामिल होते हैं ना, वो ये मत सोचिए कि आप लोग अपने आप से शामिल हुए, ये सोचिए कि आपको बिहारी जी ने लाइव सेशन से जोड़ा, सेवा की जानकारी मिली और आप ही को ही बिहारी जी ने प्रेरित करके अपनी सेवा में शामिल किया, यानी कि ठाकुर जी ने अपनी सेवा में आपको प्रेरणा अपने आप से दी, ठाकुर जी ने अपना आशीर्वाद दिया, तभी आप उनकी सेवा में शामिल हो पा रहे हैं। लाइव सेशन को देंगे विराम और उसको पेज को फॉलो करें, ताकि ये सारी चीज़ें आप लोग कैसे सेवा होती है, क्या चीज़ होती है, पूजन वगैरह सारी चीज़ आप लाइव सेशन के माध्यम से, अन्य वीडियोज़ के माध्यम से देख सकें। जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, राधे राधे।